नमस्कार। भारतीय विद्या भवन इंफोसिस फाउंडेशन कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम की 77वीं कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन की इस परंपरा में मैं अभिनंदन करता हूं भारतीय विद्या भवन जयपुर केंद्र के चेयरमैन आदरणीय वीसी सुराणा साहब का, इंफोसिस फाउंडेशन से सुश्री सुधा मूर्ति जी का, इस प्रोग्राम की चेयरपर्सन सुश्री आशा जी गोलचा का और कैप्टन बीसी कुमावत साहब, डायरेक्टर भारतीय विद्या भवन जयपुर केंद्र का। आप लोगों के आशीष, स्नेह और आशीर्वाद से ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से चल रहा है। हम उन कलाकारों और कलाओं तक पहुंच रहे हैं जो अननोन हैं, जिन्हें बहुत अधिक लोग नहीं जानते हैं। हम उन वाद्य यंत्रों तक भी पहुंचते हैं जो लगभग गुमनामी के कगार पर हैं। हम उन कलाओं को, उन वाद्य यंत्रों को, उन कलाकारों को आपके समक्ष इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। हम आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका उत्साहवर्धन हमें प्रेरित करता है, हर बार हम कुछ नया खोज कर लाएं आपके लिए, कुछ रुचिकर खोज कर लाएं आपके लिए। आज इस कड़ी में, सूफी रंग में, हम प्रस्तुत कर रहे हैं राजस्थान के ठेठ पश्चिमी किनारे के लोक कलाकारों को, जो लगभग सरहद के पास में बैठे हुए इन गीतों को पीढ़ियों से सहेजे हुए हैं। और हजारों गीत हैं उनके पास में, खजाना है उनके पास में इन गीतों का, इन रागनियों का। और समाज के हर अवसर पर, जीवन के हर अवसर पर वो अपनी इन रागनियों से उन अवसरों को द्विगुणित करते हैं, उनके आनंद को, उन उल्लास को बढ़ाते हैं, द्विगुणित करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ बाड़मेर के आगे गांव देदड़ी यार खां से मांगणियार समाज के एक अद्भुत कलाकार भाई हारून खां और उनके दल को। दोस्तों, मांगणियार वो समाज है जो बहुत लंबे अरसे से, पीढ़ियों से गायकी की एक बहुत ही शानदार परंपरा को अपने अंदर सहेजे हुए हैं और इनकी इस गायकी का परचम पूरी दुनिया में फहरा हुआ है। हजारों की संख्या में ये लोग हैं और इनके पास में भी हजारों की संख्या में गीत हैं। तो आइए, बातों का सिलसिला यूं ही चलाते रहेंगे। पहले कबीर की एक रचना से इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरा साहिब कैसा, क्या लिखूं मेरे ईश्वर के बारे में, मेरे मालिक के बारे में, मेरे साहिब के बारे में, और क्या क्या कहूँ। कबीर ने बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में जो लिखा है उसको बहुत ही बेहतरीन और शानदार गायकी में प्रस्तुत किया है भाई हारून खां, मांगणियार और उनके ग्रुप के साथी। हद जपे सुओलिया अनहद जपे सो पी, अनहद अनहद दोनों जपे भाई जा को नाम फकी। कबीर कुआ एक है, कबीर कुआ एक है, पणियारी अनेक, बर्तन उसके न्यारे न्यारे, पानी सब में जाने तेरा साहिब के सा, जाने तेरा साहिब के सा।
मोला के साहे ओ तेरा प्रभु के साहे क्या जाने तेरा मोला के साहे सायबी के साहे ओ प्रभु के साहे क्या जानी तेरा मोला के मस्जिद भी तर मुल्ला पुकारे भाई मस्जिद भाई मुल्ला पुकारे ओ क्या इतना सायब मेरा है क्या इतना सायब पंडिती हो कर आसड़ी बिराज भाई पंडिती हो करे आसड़े बिराज ओ नबी जाने तेरा साया के साए चीटी के पगने वरी बाद भाई जाने तेरा सायब के साए सायब के साए ओ तेरा प्रभु के कबीर सुनो रे भाई साधु भाई कहते कबीर सुनो रे भाई साधु कबीर कबीर ओ कहते कबीर सबकी खैर
दोस्ती भाई नहीं किसी केते कभी ये सुनो रे भाई बहुत ही शानदार गायकी रही। मैं जब भी इन लोक कलाकारों को सुनता हूँ हमेशा एक बात सोचता हूँ, कितनी उमंग है, कितना उल्लास है और कितनी बुलंदी है इनकी आवाज़ में, कहीं कोई बनावटीपन नहीं। जो पीढ़ियों से सहेजा हुआ है वो यों का यों एज इट इज हूबहू आपके सामने पेश है। लीजिए अब एक बॉलीवुड का बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, वस्तुतः है वो गीत है, और वो गीत आज आप सुनकर महसूस कीजिए कि वो जब रूहानी अंदाज में गाया जाता है, जब सूफी अंदाज में गाया जाता है, तो उसके बोल वही हैं लेकिन मायने बदल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही मीठे एक लोक गीत का, एक सूफी गीत का। आप संभवतः इसको फिल्मी गीत जान रहे हैं, ये मूलतः एक लोक गीत है, सूफी गीत है। मेरा पिया घर आया, आत्मा परमात्मा को अपना प्रियतम और पिया मानकर उससे अपनी लौ लगाना चाहती है, और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और मिलन होने की संभावना होती है, और वो जो मिलन की प्यास है जिसमें आत्मा परमात्मा को पुकार रही है, आइए सुनते हैं भाई अरुण का मंगनियार उनके साथियों से मेरा पिया घर आया। इस नाड़ी दाता मेरी सो उड़ गया, ओ मेरे रब ने सब बनाया, आवो नि सही और देवो नि बदई, आवो नि सही देवो नि बदाया, ओ मैं भर पावा ओ सोना माई घड़ियाल देवो निकाल दी मेरा घड़ियाल देवो निकाल दी मेरा पिया घर आया, ओ लाल जी की मेरा पिया घर आया, ओ लाल जी पिया घर आया सानू मल्ला घरे आया सानू बल्ला आया।
जग चढ़िया ओ भाई मेरे ओ मेरे बढ़िया मेरा पिया गरियाया ओ लालड़ी मेरा पिया गरिया ओ लालड़ी मेरा पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पूरी होया नी पत्थर कमालड़ी मेरा पिया मेरा पिया मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया पिया मैं तो खड़ी थी आस लगा के ओ 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 मेहंदी कचरा वो मांग सजा के मेरा पिया ओ मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी ओ पिया घर आया सानू अल्लाह पिया कर आया वो लालनी मेरा पिया कर आया वो अनहत बाजा बचे सुहाना मुदर ते सुगड़ा कार तरारा अनहत बाजा बचे सुहाना मुदर ते सुगड़ा कार तरारा वो अनहत बाजा बचे सुहाना वो अनहत बाजा बचे पिया घर आया वो बालनी मेरा पिया घर आया वो बालनी मेरा पिया घर आया बुल्ले साजी सेज प्याई नी में कारण हारी हार ओ बुल्ले साजी सेज प्याई नी में कारण हारी हार बुल्ले सा बुल्ले सा मके दादा भुले सा मके दादा हज गुजारा नाम रखा लिया हाजी काजी काजी अज तू भुलिया कुछ ना बनी ओ सदा यार ना की तारा जी ओ भुले सा जी छेद पियाई नी में कारण आई आई
आया ओ लालनी मेरा ओ लालनी मेरा पिया कर आया ओ लालनी मेरा पिया कर आया ओ लालनी मेरा पिया कर आया सुरों का सफर इतना खूबसूरत चल रहा है कि मुझे बार बार बीच में आना भी अखर रहा है। ये चलता रहे। एक छोटी सी बात फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, चूँकि सूफी रंग का आज का कार्यक्रम है तो इन्होंने एक लोकगीत लिखा हुआ है और ये गाया करते हैं। शादी ब्याह में जब न्योता भेजते हैं तो हिंदी में कहा जाता है कुमकुम पत्रिका, अंग्रेजी में कहा जाता है एन इन्विटेशन लेटर। उसमें आमतौर पर प्रभु की परमात्मा की याद की जाती है उनकी और उनके बारे में कुछ लिखा भी जाता है। हमारे सूफी कलाकार लिखते समय कितनी बातें कह गए और कितना मूल्यवान कितनी अर्थवान बातें कह गए। वो कह रहे हैं कि ये जो कुमकुम पत्रिका है, अपभ्रंश में इसे लोक कलाकार कह रहे हैं केंकू पत्रिका, कैसे लिखूं केंकू पत्रिका, कितने नाम हैं उसके, कैसे लिखूं, क्या क्या लिखूं, कौन सा नाम लिखूं और कौन सा नाम छोड़ दूं। आइए पहले गाना सुनते हैं, गीत सुनते हैं, उसके बाद कुछ बातें और करेंगे। फसी बजावत धैन चरावत रास नचावत न्यारो फसी बजावत धैन चरावत रास नचावत न्यारो जी राधा थारो सवरो कोई के माखन चोर कोई के दही तो
कोई के को यारो कैसे लिखो के तू पदरी अरे कोई के को यारो कैसे लिखो के तू पदरी पर के तू पदरी हर प्रेम पदरी हो अरे कोई के गोपिया रो सा कैसे लिखू के तू पतरी अरे के तू पतरी मुझे प्रेम पतरी ओ के तू पतरी मारे प्रेम पतरी अरे सोवरियेरा नौमी हजार कैसे लिखू के तू पतरी वाह अरे सोवरी ओ कोई के वे दसोदारो कोई के वे देवकीरो कोई के वे दसोदारो कोई के वे देव आते बेले बांसुरी बजावे कैसे लिखूं के तू पतरी अरे आते बेले बांसुरी बजावे कैसे लिखूं के तू पतरी अरे सोमरिये राना अरे के तू पतरी माने प्रेम पतरी के तू पतरी अरे प्रेम पतरी अरे गिरधारी रा नाम हजार कैसे लिखूं के तू पतरी अरे सोवरिये नाम हजार कैसे भाई मीरा गिर धरे नायो बोल्या भाई मीरा गिर धरे नायो सोवलियो देश विदेश कैसे लिखो के तू पतरी अरे सोवलियो सरारो दास कैसे लिखो के तू पतरी अरे सोवलियो पतरी मारे प्रेम पतरी बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार तरीके से गाया। दोस्तों, ये जो कलाकार हैं ये पीढ़ियों से इन गानों का रियाज कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों में भी वही संस्कार दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। हम इनके उज्जवल भविष्य, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। लगे हाथ में आपको ये बात भी बता दूं कि ये जो कलाकार हैं और इनके हाथों में जो अभी आपने वाद्य यंत्र देखे, ये अपना ढोलक खुद बनाते हैं। एक वीणा इन्होंने बजाई है, ये वीणा इनकी अपने हाथों से बनाई हुई वीणा है। और एक और जो बहुत ही अद्भुत यंत्र आपने देखा है, कमायचा। ये कमायचा दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। तार यंत्र है, गज यानी बो से बजाया जाने वाला यंत्र है, लेकिन ये बहुत अद्भुत यंत्र है। ये हमारे यहाँ बनता है, हमारे लोक कलाकार ही इसे बनाते हैं। ढोलक की बात छोड़ दें, शायद खड़ताल की भी बात एक बार छोड़ दें, क्योंकि खड़ताल भी बहुत लोग बनाते हैं, बहुत सारे
व्यावसायिक संस्थान भी इन चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन ये जो वीणा है जो कलाकारों के हाथ में आपने अभी देखी, और ये जो कमायचा है, ये कलाकार अपने हाथों से बनाते रहे हैं। अब दुर्भाग्यवश न तो लोगों में उतना पेशेंस है, न उतना समय है, न उतना संतोष है कि इनको बनाए जाने वाली वनस्पति को उगाया जाए, उसके पकने का इंतज़ार किया जाए, उसको ढंग से पकाया जाए, पकाने के बाद अपने हाथों से इस वाद्य यंत्र को बनाया जाए, फिर दूसरे वाद्य यंत्रों के साथ में उन सुरों को मिलाया जाए, फिर उसमें कहीं काट छांट होती है तो उसको फिर से दोबारा से सुधारा जाए। मुझे नहीं पता ये सब कैसे चलेगा, लेकिन मैं कामना करता हूँ कि ये सब चलता रहे। आइए, लोक कलाकारों के मन में है कि कुछ छोटी छोटी बातें चलते चलते आप लोगों से और कहते जाएं, दो दो तीन तीन लाइनें। तो एक बात तस्वीर फिर मकरान वाली, तस्वीर फेरे मकरान वाली, वो दाढ़ी रख दम चुटी, पराया बाल ईखीदा तरकारी लगती मुठी, बोलियाड़दन खबर पूंदी जद मुँह ते आई मुटी। भुले भुले खबर नकाई रंगी रंग बना, ओ अंत बाहर जी खबर नकाई रंगी रंग बनाया, रंगी रंग बनाया, रंगी रंग बनाया, आदमी बनाया, बोला आदमी बनाया, अंत बाहर जी खबर नकाई रंगी रंग बना, ओ अंत बाहर जी खबर नकाई रंगी रंग बनाया। रंगी रंग बनाया, वो रंगी रंग बनाया, बोला आदमी बन आया, बोला आदमी बन आया, वो अंत बार जी खबर नकाई रंगी रंग बनाया, वो अंत बार जी खबर नकाई रंगी रंग गली गली अंत
बार जी खबर न काई रंगी रंग बनाय, ओ अंत बार जी खबर न काई रंगी रंग बनाय, ओ रंगी रंग बनाया, रंगी रंग बनाया, बोलो आदमी बन आया, बोलो आदमी बन आया, ओ अंत बार जी खबर न काई रंगी रंग बनाय, ओ अंत बार जी खबर न काई रंगी रंग बनाया, वो रंगी रंग बनाया, वो अंत बार जी खबर नकाई रंगी रंग बनाया, वो अंत बार जी खबर नकाई रंगी रंग बनाया, वो अंत बार जी खबर नकाई रंगी रंग बनाया, रंगी रंग बनाया बनाया, रंगी रंग बनाया बनाया, रंगी रंग बनाया बनाया, रंगी रंग बनाया बनाया, रंगी रंग आदमी बन आया, ओ अंत बार जी खबर नकाई रंगी रंग बना, ओ अंत बार जी खबर नकाई रंगी रंग बना, ओ आबल काबल पुट आदम दा आदम किसका जाया जाया, आबल काबल पुट आदम दा आदम किसका जाया, ओ असी आदम सा आगे हुआ, ओ असी आदम सा आगे हुआ, आदम असा जा जाया, वो आदम असा जा जाया, बार जी खबर नकाई रंगी रंग बनाया, ओ अंत बार जी खबर नकाई रंगी रंग बनाया, ओ अंत बार जी खबर नकाई रंगी रंग बनाया, बोलो आदमी बनाया, बोलो आदमी बनाया, अंत बार जी खबर नकाई रंगी रंग बनाया, ओ अंत बार जी खबर नकाई रंगी रंग बनाया, ओ नामे मंगी नामे मंगी तगड़ी धोन लाया, ओ नाले मंगी नामे मंगी नामा परनी झोली बाल धुलाया, नामे मंगी नामा परनी झोली बाल धुलाया, ओ नाम अली रजा, नाम अली रजा धुला नाम धराया, वो धुला नाम धराया, अंत बार जी खबर नकाही रंगी रंग बना, ओ अंत बार जी खबर नकाही रंगी रंग बना, ओ रंगी रंग बनाया, रंगी रंग बनाया, बोलो आदमी बन आया, बोलो आदमी बन आया, हो अंत बार जी खबर नकाही रंगी रंग बना, ओ अंत बार जी खबर नकाही रंगी रंग बना, अंत बार जी खबर नकाही रंगी रंग बना, ओ अंत बार जी खबर नकाही रंगी तो एक बार फिर से उस सुर सरिता की ओर लौट चलते हैं और उसमें गोते लगाते हैं और आनंद लेते हैं। धरती बास बागड़ी रे अंदर जिसो बलतार बेरन लिलो को तू रे ओढ़न में गी मला ए माधरिया ना खेत सोया ए बोरड़ी यारा बाजरी जो ना खेत सोया रे अरे बोरड़ी जो ना बाग अरे घर घर मीठा बोल मथीरा ओ घर घर ग्वार फली रो ओ सा आज यू तरी दे मो तू मोटोड़ी छटारो बरसे में
अब लास्ट एंड फाइनल एक पण्यारी चैंडिंग पण्यारी फाइनल मारो कांगसियो मारो
बहुत शानदार सफ़र रहा इस सुरसरिता में हमारा, लगता है अब किनारा आ गया, हमें अपने इस सफ़र को कुछ विराम देना होगा क्योंकि समय की अपनी सीमा है जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन आप लोगों का साथ बना रहा और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो हम अगली बार बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे फिर से एक नया और अनूठा कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।